हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आयुर्वेद की काफ़ी गुणकारी और जानी मानी औषधि खद्रारिष्ट के बारे में। चलिए तो फिर शुरू करते हैं इसके प्राइस से। दोस्तों, इसका प्राइस जो है वो 147 रुपये है, जो आपको 450 ml के कांच के पैक में मिलता है, जैसा कि आप वीडियो की स्क्रीन पर देख सकते हैं। और आप इसे किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर या फिर मेडिकल स्टोर से बड़ी आसानी से खरीद सकते हैं। तो अब बात करते हैं इस खद्रारिष्ट से आपको क्या क्या फ़ायदे देखने को मिलते हैं। दोस्तों, खद्रारिष्ट किसी भी प्रकार का चर्म रोग यानी स्किन डिसीज के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है, दवा है। अगर आपको स्किन संबंधित समस्या है, जैसे दांत खाज, खुजली, स्किन पर लाल चकत्ते पड़ना या फिर स्किन में कील, मुहासे, पिंपल, फोड़े, फुंसी, और ज़्यादातर लोगों को ये फोड़े, फुंसी, पिंपल, इस टाइप की समस्याएं जो हैं वो ज़्यादा देखने को मिलती हैं। और इसके कारण चेहरे पर दाग धब्बे जैसी समस्याएं हो जाती हैं। तो इन सभी समस्याओं में आपको खद्रारिष्ट का काफ़ी ज़बरदस्त फ़ायदा देखने को मिलता है। इसके साथ ही साथ ये स्किन एलर्जी, सफ़ेद दाग, सोराइसिस और एक्जिमा जैसे रोगों में भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद दवा है। दोस्तों, इसके अलावा खद्रारिष्ट आपके खून को साफ करती है, जिससे आपकी स्किन पर एक नेचुरल चमक आता है और आप काफ़ी स्वस्थ रहते हैं। अगर बात करूं इसके और भी फायदों की, तो यह पेट के कीड़ों को भी दूर करती है। इसके अलावा यह जॉइंटिस, एनीमिया, खांसी, दमा, श्वास के रोगों और गठिया, जोड़ों के दर्द में और सूजन जैसे रोगों में काफ़ी लाभकारी है। यह खद्रारिष्ट स्किन डिसीज और रक्त विकारों के लिए काफ़ी बेहतरीन आयुर्वेदिक दवा है। अगर आपको स्किन संबंधित समस्याएं हैं, तो आपको इसको लेकर जरूर देखना चाहिए। इसके आपको काफ़ी बढ़िया फायदे देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इसलिए आपको इतने फायदे मिल रहे हैं क्योंकि इसमें बेहद बेहतरीन जड़ी बूटियों से मिलकर बनाया गया है। इनमें मिलाई गई कुछ जड़ी बूटियों के नाम बताना चाहूँगा, जैसे खदिर, देवदारू, दारू हल्दी, इलायची, तेजपत्र, दालचीनी, त्रिफला यानी हरड़, बहेड़ा, आंवला, लौंग और भी कई जड़ी बूटियों से मिलकर इसे बनाया जाता है, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहता है। तो फिर चलिए अब बात करते हैं कि इसे यूज़ कैसे करना है और कब करना है। दोस्तों, इसे आपको 15 से 20 ml बराबर मात्रा में पानी मिलाकर दिन में 2 बार खाना खाने के बाद लेना है। यानी जैसे आप खद्रारिष्ट 15 ml ले रहे हैं, तो आपको इसमें 15 ml ही पानी मिलाकर लेना है। दोस्तों, इसे मेल फीमेल कोई भी ले सकता है, लेकिन बात करें बच्चों की, तो बच्चों को देने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लें, क्योंकि डिपेंड करता है बच्चे की उम्र कितनी है। और बात करें प्रेग्नेंट महिला की, तो प्रेगनेंसी के दौरान अननेसेसरी कोई भी मेडिसिन लेना नहीं चाहिए, तो प्रेग्नेंट महिलाएं इसका सेवन ना करें। या फिर अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर की सलाह लें। और इसके साथ ही साथ जो डायबिटिक वाले रोगी हैं, वो इसके सेवन करने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह लें। दोस्तों, बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट की, तो इसका आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी इसको लेने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो इसे आप लेना बंद कर सकते हैं। हालांकि आपको इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों, कुछ बातों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा।
अगर आप खदरा रिस्ट ले रहे हैं तो, जैसे खटाई, ज़्यादा मिर्च मसाले, फास्ट फूड, वासी भोजन, इन चीज़ों से आपको परहेज करना होगा। धन्यवाद।